गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इनर ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग को। नए ब्लॉग तो ऐसा शुरू होने वाला है, तो ज़ोरदार शुरू होने वाला है। आप देखिए सुबह आँख खुली तो यार बिल्कुल हमने सोचा कि गर्म दिन तो नहीं निकल रहा, दिन इसलिए नहीं निकल रहा था। ये देखिए आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, और ये इसलिए नहीं निकल रहा है दिन। देखिए क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है फोटो। अब मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, मौसम को देखते हैं। ऊपर पड़ रही है बारिश। 8 बज चुके हैं, मतलब बजने वाले अभी 5 मिनट है, और नाश्ते में बन रहे हैं जमी। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मॉर्निंग जमी बनने लग रही है। मम्मी ने क्या बनाया लंच के लिए? पत्ता गोभी, फूल गोभी बोलते हैं जिसे। और मम्मी उसके लिए जौ के लिए मिर्च करने लग रही, पीसने लग रही है। और बारिश जो है रुक चुकी है, भैया का जाने का टाइम हो गया, बारिश भी रुक गई है, ये अच्छा हुआ। वरना बारिश ना रुक पाती तो ये जा नहीं पाता। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है सच में। भैया रेडी हो चुका है, नाश्ता करने लग रहा है, और लंच भी पैक हो गया है इसका। और रेनकोट वो जो पहले लेके आया था वो तो इतना अच्छा निकला नहीं, तो फिर ये दोबारा लेके आया है अच्छे वाला, क्योंकि वो ना सही से यूज़ नहीं हो रहा था बारिश में, तो ये वाला सही है, ये वाला लेके आया है। इसमें सेफ्टी भी रहेगी अच्छे से पहनने के बाद। ये देखिए फ्रेंड, भैया तो जा चुका है अपनी जॉब पर, और ये देखिए सुबह की चाय स्टार्ट हो गई है। वर्षा तो नहीं पीती चाय? क्यों? दूध पीती हूँ मैं। ओहो मिल्क गर्ल। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। सुबह की चाय, ये टीवी मैन है, ये चाय पीने वाली औरत। चाय से ही होती है सुबह की। सही है, अब गौरव गया मेरे से भी नहीं रहा जाता बिना चाय पिए। मैं तो पीती हूँ, मुझे ना मना कर रखी है बिल्कुल चाय पीने को, पर फिर भी पीती हूँ मैं। छह बजे से मैं रसोई में खड़ी, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, इस बहाने से मैं थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ, फिर नहाऊंगी, नहा कर मैं मिल जाऊंगी। हाँ 8:30 हो चुके हैं, और हमें भी तो काम निपटाना। बारिश हो रही है तो क्या करे, समझ ही नहीं आना। आज तो रेस्ट करो। हमारे कान्हा जी का बर्थडे, हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे जल्दी। भाई मान रखा है, तो इस वजह से मैं घर जाना कोई जरूरी नहीं समझती, क्योंकि गृहस्थी में ऐसा ही होता है कि भीड़ भड़ाका नहीं जाया जाता। घर पर भी यहाँ गेस्ट आए हुए रहते हैं, इसकी बुआ जी भी आती है, तो मैं उनको छोड़ कर नहीं जाती। लड्डू गोपाल है जो सबकी रक्षा करते हैं, हम भाइयों की, भाई हमारी क्या रक्षा करेंगे, हम भाइयों की क्या करेंगे, सब ऊपर वाला है करने वाला। ये बात तो सबकी डोर उनके हाथ में, जो डोरी हम उनके बांधते हैं वे डोर ऊपर अपनी खुद बन जाती है, जैसे द्रौपदी की साड़ी लिपटी थी। वही तो बात है, भगवान सबके भाइयों की रक्षा करे लड्डू गोपाल, मेरी तो ये मनोकामना है। पापा जी आप कुछ कहना चाहते हो? आपके मम्मी ने कह दिया सब कुछ, मेरे लिए कुछ होता नहीं। मम्मी ना पापा जी की बोलती बंद कर देती है। तो आऊंगी शायद, आएंगी। हाँ बहनें आएगी हमारी, बुआ जी आएगी तो मिलाएंगे जरूर। वैसे पिछले रक्षा बंधन पर आई थी वे, कमेंट्स आ रहा था कि अपनी बुआ से मिलाओ तो मिलाएंगे, आएगी तो आएंगे। 11 बज चुके, काम सारा फिनिश हो गया है। मम्मी बैठी है अभी, कपड़े धोएगी इसके बाद, थोड़ी देर बैठी है क्योंकि बारिश हो रही है, और ये फोटो देखने लग रही है वैष्णो देवी के शाकंभरी के, मतलब जो जो क्लिक किए हुए इसमें अभी डले हुए हैं, तो अभी लैपटॉप में लिए। इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है, इसमें देखने लगी, बस यही है अभी तो फिलहाल। थोड़ा सा परेशान है, मेरा मन कर रहा है घर जाने के लिए रक्षाबंधन पे, तो क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो एक दिन पहले चली जाओ ना। नहीं बेटे मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ फिर हम जो है मेहमान, तेरी बुआ जी ऐसा छोड़ कर जा नहीं पाऊंगी। देखिए वाला फोटो देख, पापा जी का फोटो खींचने लग रहा था, भैया मैं पीछे जाकर कर रही थी। मैं ना सारे भाइयों के पास में वीडियो कॉल कर लूंगी रक्षाबंधन वाले दिन। देखिए वाला फोटो, ये वाला फोटो मैंने भैया का बिगाड़ दिया था, मैंने सबके फोटो बिगाड़े। अम्मा का बेटा कौन? छी छी छी, रुई आ गई है मम्मी को परेशान करने के लिए।
जो वो कपड़े धोए उसका पानी वो मम्मी सड़क पर डालेगी क्योंकि बारिश की वजह से बाहर गंदा हो गया, इसलिए अरे ये आ गई है नंगे पैर आई है। मैंने उसका पूछा कि आपकी चप्पल कहाँ है, बोल रही मम्मी कहाँ है आपकी चप्पल बता दो बुआ जी। मस्ती कर रही बस, ओ एक गंदे पानी से हाय मुंह धो रही, वो गंदा हो जाएगा साफ पानी से धोया गया बाबू। छिछी का बेटा, अब भैया कहाँ है भाई, भैया कहाँ है किट्टू भैया है क्या ये कहाँ जा रही, तो पूछ बाबू पढ़ने जाते पढ़ना। क्या अच्छा सबको हेलो बोल दो जल्दी, हेलो बोल लो राम राम जी, चलो जल्दी राम राम जी करो जल्दी बोल के दिखाओ और क्या बोलती है बोल के तो दिखाओ राम राम जी, तेज बोल लो जल्दी ना। हाँ राधे राधे गुड मॉर्निंग। मैंने धोए बाल्टी में कर लिए थे कपड़े, मैं उठा के चली, इतने भारी है मुझसे उठे नहीं, फिर मम्मी लेके जाएगी, अब सच में बहुत भारी है। वो भारी नहीं है तू सुखी है उसकी गलती ना निकाल, खुद ही गलती निकाल, मैं सुखी नहीं हूँ, बहुत मजाक लाया मेरी मजाक वाले इंसान ने मजाक। चलो क्या करने जा रही, रील लेने जाऊं सूट की, या भी जाएगी चप्पल को आपके साथ, यो कपड़े सुखाएगी तेरे साथ नहीं जाने, यो कपड़े सुखाएगी। अच्छा चाचा जी क्या बोलते हैं आपको, बच्चा बच्चा कहाँ आया यो, कहाँ से आया ये नो बताइयो, कहाँ था नो बताइयो कहाँ से आया। अच्छे दे 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 चिया लेगी, यहाँ ले डाला चिया लेगी चिया, वो तू ही तो चिया है, वो तू ही तो है, चप्पल उल्टी हो रही है सिद्धि करेगी, वो तू ही तो है चिया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभी सो के उठी हूँ, पापा जी भी सो रहे थे, मैं भी सो रही थी, मम्मी और दी जा रही थी मार्केट में और वे आ चुके हैं, क्या करे वो मैं दिखाती हूँ। मैं तो अभी भाई चाय पीनी है, इधर मम्मी का फास्ट है आज, पर मैं दूसरों की सेवाओं में लगी हुई हूँ, मम्मी हमारे लिए लेके आई है नमकीन। अगर बेचारे इंतजार करते करते भी सो गए थे कि कितनी देर में आओगे, बाजार में आज इतनी भीड़ है, काफी भीड़ है बहुत ज्यादा, हम दोनों माँ बेटे को कम से कम 3 घंटे लग गए बाजार में, थोड़ा सा ही सामान लाना था, ज्यादा कुछ नहीं लाना था, फिर भी टाइम लग गया भीड़ के कारण। लेके आए वो हम आपको दिखा देंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिलहाल तो किसका आएगा वो आपको पता चल जाएगा, कान्हा जी का ही आएगा उनका जो बर्थडे, पता नहीं मार्केट खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसलिए वो एडवांस में लेके आ गए, उनका गिफ्ट आपको दिखा देंगे हम अभी, चाय वगैरह पी ली, मैं तो पीती नहीं, मैं तो नमकीन खाऊंगी बस अब। और जैसा भी हम सेलिब्रेट करेंगे हम सबको, आप सब दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, सब आप देखते रहिए और लड्डू गोपाल से आशीर्वाद लेते रहिए, आप सबको आशीर्वाद देंगे। किट्टू राधे राधे जय माता की, मुंह देखो बोलो जय माता की। मनीष जी आप कर देते हैं किट्टू, कल कहाँ जाएगा मम्मा के, क्या करने है ना, फिराऊंगी मैं फिराऊंगी। अच्छा क्यों नहीं आने का, मम्मी ने कह दिया कान पकड़ के ना, ऐसा कान पकड़ के वहाँ से लेके आ जाएगी। अच्छा रूही ने पहन लिया किट्टू की शर्ट, अभी लेके आया इसके बाबा जी, इसके कपड़े नए आए देखो, हाँ कैसे लग रहे ये देखे, मैंने मम्मी का फास्ट वाला खाना बना दिया था, सामक के चावल की खिचड़ी और जो भोग है वो मुझे दे दिया है, कन्याओं का भोग, ये अभी पता नहीं कहाँ से घूम के आई, बहुत अच्छे घूम के भाभी जी के पास गई थी, किट्टू की क्लास लेके आया यार, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता वो, अरे इसकी क्लास कौन लेगा, इसकी मम्मी ने थप्पड़ मारा, धमकाया कैसे भैया को, धमकाया कैसे भैया को, चुप पिटेगा तू, बहुत पिटेगा, लखंगा ले ये कंघा मारा उसने बहुत तेज, सब्जी छोक रही क्या, हां सब्जी छोक रही, ठीक है छोक ले, मैं इतना खाऊं, खा ले ले, खाओ खाओ आओ, मैंने भी तो दिए थे साऊ में, वैसे दे दिए मम्मी ने देने की, अजी आपका वर्त है ना, अच्छा कहो कोई नहीं, मिर्च नहीं है ज्यादा, मैं दे रही हूं, चली खा पापा जी इसमें, मम्मी जी इतने ना गए रो, मैंने 3 किलो से तालिबानों को खरीद दिया मार मार के, मिर्च ना गई थी, ना ना मिर्च नहीं है, आज शाम के टाइम में मार्केट गई थी, मार्केट में इतनी भीड़ थी रक्षाबंधन के वजह से, बहुत ज्यादा थी, गाँव से भी सब आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बिल्कुल बाजार सजा पड़ा रहा, क्यों से बाजार से आने को भी मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा वो था। ये किट्टू को देखो देशभक्त, हाँ तो ठीक है, और हमारे कान्हा जी का बर्थडे है परसों को,
क्योंकि मैं परसों को बर्थडे हम इस वजह से मनाते हैं, हमारे घर में कान्हा जी रक्षाबंधन वाले दिन ही आए थे, और हम तारीख से नहीं मनाते, कौन सी तारीख थी रक्षाबंधन वाले दिन ही हम उनका बर्थडे मनाते हैं। तो परसों हमें ये पता था कि संडे का लॉकडाउन रहेगा, तो फिर हम आज मेरे साथ मार्केट गई थी और कान्हा जी के लिए गिफ्ट लेकर आई। मम्मी चलो गिफ्ट लेकर आएंगे कुछ, शायद कल टाइम ना मिले या परसों टाइम ना मिले, ये देखे कान्हा जी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। ये है लड्डू गोपाल की चार पाई, कितनी सुंदर है। ये देखिए लड्डू गोपाल कितने इनका बिस्तरा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैं तो कहती है वर्षा वो प्रियम ऐसी खाट ले ले, मैं बुन खुद दूंगी, मेरे को बनानी आती है। और कमेंट्स करके बताइए आपको ये चार पाई कैसी लगी। खाना जी के तक बनूंगी मैं, वो तो कल कर लेना जो करना, तो टाइम अब तेरे लिए पास कम है। नहीं मैं बना दूंगी, गद्दी भी तो थी मम्मी जी। देखिए खाना जी की ड्रेस, जो भी शायद ये लेके आई ना, हाँ, फिर हम ले ये भी बर्थडे वाले दिन बनाएंगे, बर्थडे गिफ्ट है ये दोनों, ये और ये एडवांस गिफ्ट है बर्थडे में। देखिए पन्नी के बाहर निकलते कितना प्यारा मुकुट लगा। ये ड्रेस तो प्रियम की पसंद की है, ये मुकुट मेरी पसंद का है। ये देखिए कैसा मुकुट भी मेरी पसंद का, मम्मी जी दोनों की पसंद का हमारी। जब दोनों साथ जा रहे थे तो पसंद तो दोनों की होगी। ये नहीं लड्डू गोपाल के केस भाई, इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस मिल रही थी और राखी वाली थी, मतलब राखी भी बिक रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए हम कुछ सामान लेकर आए, कुछ जो रह गया वो कल लेकर आएंगे। मैं तो गोपाल जी पूछ गई थी कितने के, इतने बड़े गोपाल जी है ना, फिलहाल तो ये चार, और जो एक मतलब हाथों की वे रहेगी चूड़िया सी, उनकी पायल होती है, उनके कंगन होते हैं, गले की माला। और कमेंट्स करके बताइए कि हमारे गोपाल जी के कपड़े और ये चार पाई आपको कैसी लगी, और मेरे कान्हा जी को भी भाई बर्थडे विश कर दो, आपको भी भगवान लड्डू गोपाल बहुत सारा आशीर्वाद देंगे और प्यार देंगे, और हमारे कान्हा जी को आप भी हैप्पी बर्थडे बोल देना।